स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंतर मन की पीड़ा को सार्वजनिक करते हुए कहा था, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते, बेचारी गांव की माँ बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, वो शौच के लिए नहीं जा पाती। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान आरम्भ कर रहा है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। आजादी के 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 3 वर्ष पहले तक इस दिशा में इतनी शिद्दत से किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कितना कुछ सुधार दिया। महज 3 वर्षों की कड़ी मेहनत की वजह से आज देश के गांवों में 137 जिले खुले में शौच से मुक्त है। इनमें करीब 2,00,000 गांव हैं। 3 वर्षों के छोटे से समय में करीब 4 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। अब तक करीब 650 शहर भी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यहां भी करीब 3 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, करीब 1,16,000 सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए गए हैं। अरे वाह, कितना साफ सुथरा गांव है ये। कहीं कूड़ा करकट नहीं, कोई गाय भैंस का चारा फैला नहीं है। जिस घर की तरफ नजर जा रही है वहां एक शौचालय बना हुआ है। इन चेहरों की खुशी इस बात का सबूत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फिर चाहे वो भाई बहन की जोड़ी हो या फिर नन्ही सी बच्ची मोइंद्रता की छोटी सी लेकिन दमदार कोशिश। आप भी इस कोशिश में अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए और फिर देखिए, हम स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लेंगे।